हेलो दोस्तों, आज अपने इस 10वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ अपने उस टेंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जिस टेंस को मैं इंग्लिश के टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी तक जो भी 9 टेंसेस हमने पढ़े हैं उन सभी 9 टेंसेस में हमने 9 नई नई चीजें सीखी हैं। अब ये जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें हमें 2 पुरानी चीजों को मिलाकर सीखना है। जैसा कि आप इस टेंस का नाम देख सकते हैं दोस्तों, इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, यहां पर हम परफेक्ट टेंस की बात भी कर रहे हैं, यहां पर हम कंटीन्यूअस टेंस की बात भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, हमने कंटीन्यूअस टेंसेज में ये पढ़ा था कि जो काम अपनी प्रोसेस के मिड में है, जिसके ना शुरुआत का हमें पता है ना एंड का पता है, जिसके बीच में होने का हमें अंदाजा लगता है या सेंटेंस से उसके बारे में पता चलता है, उसे हम कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, कंटीन्यूअस टेंस में हमने हिंदी के जो सेंटेंस लिखे थे वो कुछ इस प्रकार से थे। राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा था, और तीसरे नंबर पर था राम क्रिकेट खेल रहा होगा। उसके बाद जब हमने परफेक्ट टेंस पढ़े थे दोस्तों, तो हमने उसमें जो हिंदी के सेंटेंसेस लिए थे वो कुछ इस प्रकार से थे। राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका था, राम क्रिकेट खेल चुका होगा। यानी कि इन दोनों टेंसेस में हमने पढ़ा था कैसे एक टेंस हमें उन चीजों के बारे में बताता था जो अपनी प्रोसेस के मिड में होती थी, और जबकि दूसरा टेंस हमें किसी चीज के पूरा होने के बारे में बताया करता था। तो आज ये जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंस को मिलाकर के बनता है। मैंने आज यहां पर बोर्ड पर 3 टेंसेस एक साथ नहीं लिखे हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से हम लोग कॉन्टिन्यूस के तीनों टेंस और परफेक्ट के तीनों टेंस 2 दिन में पढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब में दुनिया भर के वीडियोस हैं। अगर आप उसमें एक टेंस पढ़ने के लिए सर्च करते हैं तो आपको दुनिया भर के वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि या तो उन वीडियोस की स्पीड बहुत ज्यादा है या तो फिर उसमें हमें समझाने के लिए बहुत टिपिकल लैंग्वेज का यूज किया गया है। दोस्तों, मैंने इन ऑनलाइन वीडियोस की शुरुआत इसीलिए की थी ताकि हम सब लोग इस लॉकडाउन की अवधि में घर बैठकर बहुत आराम से रोज के 15 मिनट भी अगर YouTube को दे देते हैं तो बहुत आसानी से हम अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर कर जाएंगे। तो 2 दिन 3 दिन टेंसेज एक साथ पढ़ने के दौरान मुझे खुद को ये महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे मन में बहुत ज्यादा संख्या में आ जाते हो, कई बार हमें एक दूसरे से मिक्स मैच करवाते हो। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैंने कोशिश ये करी है कि ये जो टेंस इतना इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको हम सबसे पहले एक ही पढ़े। हम सिर्फ पहले प्रेजेंट का पार्ट पढ़े, उसके बाद हम पास्ट और फ्यूचर की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, कल आप लोगों ने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, एक टेंसेस का, दूसरा वर्ब्स का। वर्ब्स वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वर्ब का यूज यहां पर भी आ रहा है। जैसा कि हमने कल भी अपने वीडियोस में डिस्कस करा था दोस्तों, हम लोगों ने वर्ब्स के 2 फॉर्म देखी थी, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। तो यहां पर दोस्तों अब हमें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इज एम आर वॉज वर हैज बीन हैव बीन हैड बीन या विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और हमारे मेन वर्ब्स को पोजीशन देने में ये उनकी हेल्प करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं दोस्तों, और मैंने अभी आपसे डिस्कस भी करा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 2 टेंसेस का मिक्सअप है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें हमने जो परफेक्ट टेंस है उसमें से हैज हैव को लिया है और जो कंटीन्यूअस टेंस है उसमें से वर्ब की 4th फॉर्म को लिया है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे इनडेफिनेट टेंस में हमने मैक्सिमम वर्ब की 1st फॉर्म का यूज किया था, वर्ब की 2nd फॉर्म सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने के दौरान हमने यूज करी थी। तो इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो इनडेफिनेट टेंस है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की 1st फॉर्म का यूज करना होता है, जबकि दूसरे नंबर पे कंटीन्यूअस टेंस में हमने देखा था दोस्तों, वहां पर हमने इज एम आर वॉज वर
और विल के साथ बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करा था। उसके बाद हम परफेक्ट टेंस पर चले गए थे दोस्तों, जहां पर हमने हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ वर्ब की तीन फॉर्म्स का यूज करा था। तो यहां पर हमने क्या देखना है दोस्तों कि जैसे अलग अलग टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया, यहां पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी बेसिक लाइन, इसकी टैगलाइन देख लेते हैं। टैगलाइन हमेशा हमने हिंदी में लिखी है दोस्तों। यहां पर जो टैगलाइन मैंने लिखी है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पर मैंने बोर्ड पे लिखा है, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ये सेंटेंस आपको पीछे पड़े गए सेंटेंसेस से मिलता जुलता महसूस हो रहा होगा। इसमें सिर्फ हमने एक नई चीज जोड़ दी है, वो है सुबह से। इसका मतलब अगर हम इसको बिना सुबह से के पढ़ते हैं तो ये हमें पढ़ने में आएगा, राम क्रिकेट खेल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि अगर इसमें से हम इस समय को हटा दें तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस रह जाता है। पर हमने जब यहां समय की शुरुआत कर दी तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी वो काम जो पिछले काफी समय से चला चला आ रहा है, उस काम में जब हम समय के साथ उसका यूज करते हैं तो वो कंटिन्यूअस टेंस से निकल करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश होती है आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं तो ये बन जाएगा दोस्तों आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, क्योंकि जो मेरा रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। दोस्तों इसमें ये दो नए शब्द हमारे साथ जुड़ जाते हैं इस टेंस के रूल में, वो है सिंस और फॉर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं इनका यूज हमें सबसे एंड में करना है, बिल्कुल लास्ट में करना है। ये वो दो शब्द होंगे दोस्तों जिनमें हम समय को इन सेंटेंसेस में जोड़ देंगे। मैं आपसे कहूं मैं गाना गा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर मैं कहूं मैं सुबह से गाना गा रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें समय जुड़ गया, इसका मतलब अब ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहा, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है। मैं कार चला रहा हूं, इसका मतलब मैं उस समय कार चला रहा हूं, इसका मतलब सिंपल का कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो ये बन जाएगा आई एम ड्राइविंग अ कार। पर अगर मैं कहूं मैं सुबह से कार चला रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि अब ये सेंटेंस कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं रह गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया है। तो ऐसा कोई भी काम दोस्तों जो आप लंबे समय से कर रहे हो, जिसके साथ आपको समय जोड़ना पड़े, समय के बारे में बताना पड़े, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। आप लोग वैसे भी किसी को बोलते हैं मैं आ रहा हूं, किसी ने आपको बुलाया वेयर आर यू, आप कहां हो, आप कहते हो रस्ते में हूं आ रहा हूं। इसकी इंग्लिश दो तरह से होती है, या तो आप कहते हो आई एम ऑन द वे या आप कहते हो आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे। तो आई एम कमिंग मीन्स आप उस समय आ रहे हो, पर यही बात अगर आप कहना चाहो मैं पिछले चार घंटे से आ रहा हूं तो उसमें आपको इज एम आर की जगह हैज हैव का यूज करना पड़ेगा, बीन का यूज करना पड़ेगा और टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज भी आप ही को करना पड़ेगा। इससे दोस्तों हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि दिखने में तो ये टेंस बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, जिसमें कोई काम हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, पर इसमें जो चेंज आता है वो एक फॉर्म में आता है और वो फॉर्म है सिंस और फॉर का यूज। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने सिंस भी लिखा और फॉर भी लिखा। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा हम समय दो तरह से बताते हैं, कैसे, मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं, एक तो समय बताना ये हुआ, दूसरा समय बताना होता है मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। एक में आप कहते हो मैं 10 साल से यहां रह रहा हूं, दूसरे में आप कहते हो मैं सन 2000 से यहां रह रहा हूं। एक में आप कहते हो मैं 3 दिन से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूं, एक में आप कहते हो मैं सोमवार से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूं। तो एक समय में तो आप ड्यूरेशन बता रहे हो, जैसे 3 दिन, तो 3 दिन का मतलब वेडनेसडे, ट्यूजडे, मंडे, दूसरे में आप सीधा मंडे बता देते हो। एक दिन में आप कहते हो मैं 10 साल से यहां रह रहा हूं, 10 साल मतलब 20, 19, 18, 17, 16, 15, आप पीरियड काउंट कर रहे हो। दूसरे में आप डायरेक्ट कहते हो मैं 2010 से यहां रह रहा हूं। तो जिस भी नंबर पर, जिस भी संख्या पर
आपको ये पीरियड काउंट ना करना पड़े दोस्तों, जहां पर आप सीधे पॉइंट की बात करो। जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपको पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये जो आधा घंटा है दोस्तों, इसको आपको देखना पड़ेगा 7:30 से 7 है, 6:30 से 6 है, 6:30 से 7 है, या क्या समय है, ये आपको घड़ी के हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे कि सर ने एक पॉइंट दे दिया, फिर आप आगे की तरफ सोचोगे। मैं आपसे कहता हूं कि मैं 20 साल से आपको जानता हूं, दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूं मैं सन 2000 से आपको जानता हूं, तो आप दोनों में फर्क करना जरूर सीखिएगा दोस्तों। एक में हम सीधा पॉइंट बता देते हैं कि मैं उस पॉइंट से आपको जानता हूं या मैं उस पॉइंट से काम कर रहा हूं, जबकि दूसरे में क्या होता है दोस्तों, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं यार ये पिछले 10 साल से मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब 10 साल एक पीरियड आपको बताया गया। अगर मैं सीधा कह देता मैं 2010 से आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं, तो आपको शायद समझ आ जाता कि सीधा 2010 हो गया, 10 साल हो गए इन लोगों को। तो टाइम की गणना हमेशा 2 अंक में करिएगा टेंसेस के अंदर दोस्तों, वो क्या होने चाहिए, एक सिंस दूसरा फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब आपको सीधा उस टाइम के बारे में बता दिया जाए, जैसे अगर मैं कहूं भारत सन 1947 में आजाद हो गया था, दूसरा मैं कहूं भारत को आजाद हुए 60 साल हो गए हैं, तो इन दोनों में आपको फर्क पता चलना चाहिए दोस्तों। 1947 पॉइंट है, 60 साल का एक पीरियड है। मैं कहूं मैं सुबह 9 बजे से इस रूम में हूं, तो ये पॉइंट है, मतलब ये सिंस है। और अगर मैं कहूं मैं पिछले 10 घंटे से इस रूम में हूं, तो वो पीरियड है। तो सिंस और फॉर का यूज देखिएगा दोस्तों, सिंस हमेशा पॉइंट के साथ यूज होता है। कैसे, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, सिंस के आगे लिखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के आगे लिखिएगा पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि सिंस वहां लगेगा जहां पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, फॉर वहां पर लगेगा जहां पर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। सिंस कैसे दोस्तों, 1985 आपको एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट से पीरियड काउंट कर लीजिए, 25 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, अब आप घंटे काउंट कर लीजिए, सुबह 8 बजे 9 बजे मान लीजिए, अभी तक के घंटे काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको पॉइंट दिया गया है। सिंस जून, आपको पता चल जाएगा कि हमें 8 महीने 10 महीने हो चुके हैं अगर हम जून से इस समय को काउंट करते हैं। सिंस संडे, मैं संडे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप काउंट कर लेंगे कि मैं संडे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं पिछले 3 या 4 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, उन वाले पॉइंट्स पे जहां पर हमें एक पॉइंट का अंदाजा लग जाए समय को लेकर के, वहां तो सिंस लगाना है। जहां पर दोस्तों हमें समय का अंदाजा पॉइंट से ना लग के पीरियड से लगे, मैं आपको 4 साल से जानता हूं, 4 साल मतलब मैं आपको कब से जानता हूं, 2020, 2019, 2018, 2017, इसका मतलब 2016 या 2017 से मैं आपको जानता हूं, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। 6 मंथ्स, मैं 6 महीने से आपको जानता हूं, आप 6 महीने पीछे जाएंगे तो आप पॉइंट पे पहुंचेंगे, इसका मतलब ये फॉर 6 मंथ्स है। उसके बाद 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से इस रूम में हूं, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, मैं इसके साथ फॉर 4 आवर्स लगाऊंगा। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, जब कभी वर्ड लास्ट का यूज होता है, मैं कहता हूं दोस्तों हमारा ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, आपने देख लिया कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है, पर इस सेंटेंस में समय को अलग से जोड़ा गया है। इसका मतलब जिस सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम को जोड़ दिया गया है, वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में ना रह करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारा रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज करने के लिए आप मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, आपने देखा राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, रूल के अकॉर्डिंग राम सब्जेक्ट है, तो आपने सबसे आगे राम लिख लिया, उसके बाद हैज और हैव में से हैज लिख लिया, बीन सबके साथ आना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपने प्लेइंग लिख लिया, क्या खेल रहा है आपने क्रिकेट लिख लिया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये तो बन गया हैज बीन हैव बीन के साथ। अगर आप इज एम आर के साथ बनाते तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता, जब आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैज बीन हैव बीन के साथ लगाई, इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म हो गया दोस्तों, वो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। अब मुझे देखना है कि मैंने ये तो लिख लिया,
राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, हैज बीन से मुझे ये तो पता चल गया कि वो लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं खाली कहता राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब वो इस समय क्रिकेट खेल रहा है। जैसे ही मैंने कहा राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप ये समझ गए कि राम लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा है। अब कब से खेल रहा है दोस्तों? वो सुबह से खेल रहा है। सुबह का मतलब मॉर्निंग। अब मुझे क्या करना है दोस्तों? क्रिकेट के बाद सिंस या फॉर लगाना है। सिंस और फॉर किसके हिसाब से लगना चाहिए दोस्तों? मॉर्निंग के हिसाब से। मॉर्निंग आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि अगर वो मॉर्निंग से खेल रहा है तो आप घंटों के हिसाब से समय लगा लोगे कि सुबह से मतलब 6 घंटे से खेल रहा है वो। तो आपने क्या करा दोस्तों, जैसे ही सेंटेंस में सुबह देखा, आपने ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रूल के हिसाब से सिंस और फॉर में से सिंस यहां पर लगा दिया, क्योंकि वहां मॉर्निंग लिखा था। मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है, आप यहां देख चुके हो, तो आपने सिंस मॉर्निंग कर दिया। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि राम 6 घंटे से खेल रहा है, तो सेंटेंस बन जाएगा राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट 6 घंटे। मुझे ये नहीं पता कौन से 6 घंटे हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो हो जाएगा राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स या फॉर 6 आवर्स। अगर मैं कहूं राम पिछले साल से खेल रहा है, तो क्या बनेगा दोस्तों? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट ईयर। जब कभी भी लास्ट जुड़ जाता है दोस्तों, तो वो सिंस बन जाता है। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। अगर मैं कहूं पिछला साल, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछले दिन, पिछली मुलाकात, तो इन पिछले शब्द के साथ लास्ट हमें यूज करना है। अगर मैं कहूं पिछले 6 घंटों से खेल रहा है, तो 6 घंटे तो भले ही पीरियड ऑफ टाइम है, बट पिछले 6 घंटे ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया दोस्तों, ये फिर सिंस के साथ यूज होगा, सिंस लास्ट 6 आवर्स। अगर कोई कहे कि सर मैं लास्ट के साथ फॉर यूज करना चाहता हूं, तो आपको यहां फॉर के साथ दा का यूज करना है। ये अक्सर कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जब वो हमें लिख के दे देते हैं राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स और इसके 4 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या गलत है। जिनमें से हम लोगों का अधिकतर ये क्वेश्चन का आंसर कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि हम पूरा देखते हैं राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहां तक सेंटेंस पूरी तरह सही है, फॉर 4 इयर्स। आप ध्यान लगाते हो कि फॉर 4 इयर्स तो ठीक है, 4 साल से खेल रहा है, आपने टिक कर दिया। पर अगर उसकी जगह हो जाता फॉर लास्ट 4 इयर्स, तो आपको पता है या तो जैसे ही लास्ट लगा वहां पर फॉर की जगह सिंस लगा दीजिए, या तो फिर लास्ट से पहले फॉर दा लगा दीजिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां कहीं भी समय को बताने के लिए पिछला शब्द यूज हो जाए, इंग्लिश में जिसे हम लास्ट भी कहते हैं, तो वहां पर हमेशा सिंस लगेगा, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम की ही हिसाब से क्यों ना चल रहा हो। पर अगर कोई आपसे कहे कि सर सिंस की जगह वहां पर सिंस ऑप्शन नहीं था, तो आपको ये भी देखना है कि वहां पर एक ऑप्शन फॉर दा होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं राम, आप तीनों तरीकों से देखिएगा दोस्तों, मैं तीनों तरीके से बोलता हूं। राम शाम 5 बजे से खेल रहा है, आप समझ गए अगर होता राम खेल रहा है तो कंटिन्यूअस राम इज प्लेइंग, पर अगर वो शाम 5 बजे से खेल रहा है तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 in the evening। क्या बन गया? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 in the evening या सिंस 5 PM। तो ये तो 5 बजे वाली बात हुई दोस्तों। दूसरा होता अगर राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, पिछले में मतलब लास्ट, कितने घंटे? 2 आवर्स। लास्ट के साथ क्या लगना चाहिए? या तो सिंस या तो फिर फॉर द। तो सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 2 आवर्स या तो फिर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपको यह पता चल गया अगर पिछले 2 घंटे से खेल रहा है तो सिंस लास्ट 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अगर खाली होता 2 घंटे से खेल रहा है तो क्या बन जाता दोस्तों? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी समझनी चाहिए कि कैसे सिंस और फॉर का यूज इस टेंस में होना है। मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख भी दिया है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ टाइम के, कुछ एग्जाम्पल पीरियड ऑफ टाइम के। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है लास्ट का, वो भी मैंने लिख दिया है कि जैसे ही लास्ट आ जाता है उसके साथ हमेशा सिंस का यूज ही करना होता है। अगर सिंस का यूज आप नहीं करना चाहते हैं या आपके ऑप्शन में सिंस नहीं है, तो आप फॉर द का यूज भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसी सेंटेंस को देखें दोस्तों, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो सेंटेंस की इंग्लिश बनती है राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूं
राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आप हैज के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिएगा, बीन के बाद नहीं, हैज के बाद। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो आगे आएगा वो हमेशा हैज आएगा, आगे आएगा। बट वैसे भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मुझे कई रिप्लाईज मिलते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कई बार आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं लिख करके। आप एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, कंफ्यूज ना होने के लिए आपको सिर्फ एक ही वर्ड को आगे लाना है, बाकी सारा सेंटेंस पीछे लिखा रहने दीजिएगा। जैसे क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर हो जाता क्या राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ये इंटरोगेटिव भी था और ये नेगेटिव भी था, तो ये कैसे बनता दोस्तों? हैज राम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिर्फ जो नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, उसमें से सिर्फ हैज को आगे लाइए। आप लोगों में से कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो बीन को भी आगे ले आएंगे। मैंने विल बी वाले सेंटेंसेस में देखा, आप लोगों ने अक्सर बी को भी विल के साथ आगे शिफ्ट कर दिया, आगे सिर्फ एक ही शब्द शिफ्ट होगा दोस्तों। जैसे यहां पर हैज, बीन को भी पीछे रखना है, नॉट को भी पीछे रखना है, तो सेंटेंस बन जाएगा हैज राम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक फंडास को याद रखते चलेंगे दोस्तों, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगर आप अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीजों को, जिनकी आधी अधूरी नॉलेज आपके पास है, उनको भी इसमें एम्प्लॉय करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आपको कई आसान होती हुई चीजें भी मुश्किल महसूस होने लगे। जैसा कि आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, एक दो सेंटेंसेस से कुछ नहीं होना, वो आप कल परसों नहीं तो 3 दिन बाद भूल जाएंगे। दोस्तों अगर कोई इंग्लिश बोल रहा होता है या कोई कंपटीशन में अच्छे से तैयारी कर रहा होता है, एग्जाम क्रैक कर रहा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि इसको पढ़ने का बहुत कीड़ा है या इसको पढ़ने की बहुत आदत है, ये इसलिए ऐसा कर पा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें दिन का काम दिन में ही करना है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हिम्मत मत हारिए। जब मैंने आपको बताया 15 साल 16 साल पहले मुझे इंग्लिश पढ़ने की इच्छा हुई, मैंने अपनी हिम्मत को कहीं से हारने नहीं दिया। टीचर ने 5 सेंटेंसेस दिए अगर करने को, तो मैंने 20 घर आके खुद भी करे हैं। तो अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो एक दो एग्जांपल में मत रुकिए दोस्तों। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक टेंस के कम से कम 20 सेंटेंसेस लिखें, अलग अलग तरीके से लिखें, जिससे हमें यह अंदाजा लगना शुरू हो जाए कि कैसे पढ़ी हुई चीजों को हमें अपने रिटर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों, ये मेरे लिए कोई पढ़ाना प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, प्रोफेशनली मैं इसको पढ़ा भी नहीं रहा हूं। मेरी सीधी सी कोशिश है बहुत आसान तरीके से आप सबको इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल्स बता देने की, बेसिक ग्रामर के टॉपिक कवर करवा देने के लिए। उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग तभी मिलेगा दोस्तों जब आप अपने दिल से इस लॉकडाउन की अवधि में पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। आपको आधा घंटा इन क्लासेस को देना है दोस्तों, उन सारे सेंटेंसेस को कवर करिए, जहां पर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है उनको पूछिए। आपके लिए सबसे अच्छा यही है दोस्तों कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हमें आज के इस टेंस को एक ही टेंस पे छोड़ देना चाहिए, खाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। बाकी टेंसेस हम कल कवर करेंगे दोस्तों, बाकी के 2 टेंसेस। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने जानने वालों को भी बताइए दोस्तों। ये बहुत आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का, इन रूल्स को याद करने का। हम आगे भी एक एक करके इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको ये 15-20 मिनट डेली देने हैं, प्रैक्टिस डेली करनी है, ताकि ये चीजें डेली यूसेज में आपके आ जाएं और आप इनको जल्दी से ना भूलें। आज भी मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 15-20 सेंटेंसेस इस टेंस के बनाइएगा। आज हमारी क्लासेस का 10वां दिन है दोस्तों, कल हम टेंसेस को पूरी तरह खत्म कर लेंगे, परसों हम टेंसेस की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कवर करेंगे रिविजन के तौर पर, जिससे कि हमें हमारी गलतियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।